आदाब भाभी जी। अरे शर्मा जी आदाब, आइए आइए। जी शुक्रिया। तशरीफ रखिए। भाभी जी कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए समय निकालना ही पड़ता है। ऐसी क्या बात है? आपको याद होगा अपने अकबर भाई साहब के करीबी दोस्त सलीम साहब। हाँ हाँ, उनके तो दो ही दोस्त थे, एक आप और एक सलीम साहब। बिल्कुल सही फरमाया आपने। उनके छोटे लड़के जारा के लिए वो लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़की खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है। आप कहें तो अपने अजीज के लिए बात आगे बढ़ सकती है। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप सोच कर बताइएगा। अच्छा, लड़की तो मैंने देखी है, अच्छी है, मगर अज्जू क्या बोलता कि? आजकल के बच्चे तो अपने मजे से ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपका अज्जू ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह अजीज और जरा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं चलूं? ठीक है भाई साहब। खुदा हाफिज भाभी जी। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह अज्जू हाँ बोल दिया तो अपन लड़की देखने चलेंगे। बेगानी शादी में हौला दिख रहा हूँ मैं। क्या बोलेंगे लोग, रास्ते में चाय सिगरेट आए लोगों के। ला भाई ला, बोला ला जी। जरा ये बोला तो पकड़ भाई। कहाँ से ला रहे फूला? सही भाई, भोजन नहीं मार्केट से। मुबारक लोशा, क्या बात है, लूट रहे हो। कल रात का किस्सा तफसील से सुनाता हूँ खाना खाने के बाद। क्या रही ने जबरदस्त खर्चा करा ऐसा दिख रहा दावत पे। हाँ तू खाली मेरी शादी में देख अंगार लगा दिया। चलो उठो बाबा, आओ भाई। अरे यहाँ से भी उठो, जरा हटके बैठो। हाय कर देंगे, जरा बाजू हट रहे। क्या बात है, पूर्ति में आ रहा अज्जू? उन्हें छे देख बाबा। कौन है रे उन्हें? पहचानता उसको? स्टेज की तरफ नको देखो, अनजान मारो दूल्हे को। देखा तो बुला लेता उन्हें, मिलना मिलना बाद में देखेंगे। रेसुफ पहला टेबल जमा, क्या देख? अब भी देख रहा हूँ। देख रहा उन्हें छे देख गुल्लू दादा। ऐसा सिटी में इसके ऐसा फाइनेंसर कोई भी नहीं है बाप। बगैर श्योरिटी के इंटरेस्ट पे लाखों रुपए दे देता बापू ने। छोड़ भैया फाइनेंस वाइनेंस के बात मेरे सामने नको कर, ये चक्करों में अपने को पढ़ना ही नहीं है। दूल्हे से मिलके फ्री हो जाएंगे बोलो। खामोश बैठ, दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता, समझा? और पहले दस्तर पे नहीं खाए तो मेरे को मजा नहीं आता। भाई आप बेफिक्र रहो, आपको खिला के छम लोगा खाते। चलिए भाई खाने को आइए जल्दी। शुक्रिया। आइए शर्मा जी, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? आइए। आयशा? हाँ लेकिन शर्मा जी तो लड़की का नाम जारा बता रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरी बड़ी बेटी का नाम है। ओ शर्मा जी पानी तो लिए। नमस्ते जी, शुक्रिया। भाभी जी बात शुरू करें। भाई साहब अभी तो आए हैं। नहीं मैं बोल रहा था इधर उधर की बातें करने के बजाय हम मुद्दे की बात पर जल्दी आ जाए तो अच्छा रहेगा। क्या तो भी है जी। चुप चुप। देखो जी लड़की के बाप है बोल के खामोश मत बैठो, जरा डट के बात करो। अब लाए सोती को कोने क्या नहीं बुलाओ, जरा देख लेता हूँ। चुप बैठ रहे बेशरम। भाई जरा लड़का लड़की को देखना चाह रहा है। अभी से इतना बेताब हुए तो कैसा मियाँ। सलीम भाई जरा लड़की को तो बुला लीजिए। ठीक है बुलाता हूँ। आयशा बाबा 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 माशाल्लाह, दूसरी देखने नहीं है।
आपसे एक बात करना था। जी बोलिए। क्या है बोले तो, हमारा अज्जू जहेज जोड़े घोड़े के बिल्कुल खिलाफ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और निकाह भी मस्जिद में करना चाह रहा है। अच्छा है नापा। अजीज कहाँ है, नहीं दिख रहे? बेटा अज्जू, कहाँ है शर्मी तुम? कौन से स्कूल को जा रहे? बोस्टन स्कूल। ऐसा? अच्छा मैं काम बोलता हूँ, सुनते। क्या है बोलो? खामोश जो बोल रहा हूँ कर देना, किसको भी कुछ भी नहीं बोलना। हा? नहीं बोलती हूँ। ये फोन हल्लू दुल्हन को दे दो। नहीं देते। चॉकलेट देता हूँ भाई। नहीं होना मेरे को चॉकलेट गिफ्ट। फिर क्या होना? पैसे होना। इतने छोटे रह के पैसे लेते। अच्छा ले लो 100 रुपए। 100 रुपए कुछ भी नहीं होता। अरे और पैसे कहाँ से लाऊं भाई? फिलहाल ये 100 तो रखो, काम हो गए बाद और 10 नोट देता हूँ तुम्हारे को। जाओ जाओ जल्दी, जाओ भागो भागो भागो। आपने सब कुछ बता दिया ना उनको? और सब खैरियत? अरे अज्जू सब मजे में। जी जी। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात है शर्मा जी। हाँ बोलो। वलीमा जरा धूमधाम से करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे ना? अगर आपको एतराज नहीं है तो बोल रहा हूँ। धूमधाम से मतलब? मैं समझा नहीं। मैं कर लेता हूँ एडजस्ट कहीं से भी, शादी एक ही बार होती ना। मगर वलीमे पे इतना खर्चा क्यों? अफजल वो भी इतना अच्छा वलीमा कर रहे हैं, मैं भी कुछ वैसी करना चाह रहा हूँ। मेरे पे छोड़ दीजिए आप, बेफिक्र रहिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। देखो बेटा मेरा फर्ज है, मैं तुमको समझा रहा हूँ। अब क्या करना है तुम्हारी मर्जी। अज्जू। हाँ मामा अभी आ रहा हूँ।